जय हिंद, नमस्कार। अग्निवीर भर्ती दौड़ के लिए पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे भर्ती शेड्यूल का आखिरकार सच सामने आ ही गया। जो भर्ती शेड्यूल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और जिस पर बीते कल हमने भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी थी, वो शेड्यूल एकदम सही है और अब उस पर जिला कलेक्टर के साथ हुई मीटिंग ने यह मोहर लगा दी है कि वो शेड्यूल सही है। दरअसल राजस्थान में होने वाली अग्निवीर भर्ती दौड़ को लेकर यह शेड्यूल बीते दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था और इसमें यह भी बताया गया है कि अलवर में 11 से 18 जुलाई के बीच में इस बार दौड़ होनी है। और अब इसको लेकर आप यह दैनिक भास्कर की खबर भी देख लीजिए। अलवर भर्ती को लेकर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी और सेना के अधिकारियों के बीच में एक मीटिंग हुई है और जिसमें यह तय हुआ है कि इस बार सेना भर्ती रैली है उसकी जो दौड़ होनी है वो शहर के बीच स्थित बाबू शोभाराम राजकीय कला कॉलेज परिसर में भर्ती की दौड़ की जाएगी। अब देखिए, आप युवाओं का यह सवाल हो सकता है कि सर, यह तो सिर्फ राजस्थान की भर्तियों का शेड्यूल है, देश के दूसरे राज्यों में होने वाली सेना भर्ती रैलियों को लेकर पूरा शेड्यूल कब तक जारी होगा? तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी सेना भर्ती का जो शेड्यूल है वो भी बहुत जल्द जारी हो सकता है। कह सकते हैं कि कभी भी किसी भी पल आपके लिए वो नोटिफिकेशन आ सकता है, वो शेड्यूल देखने को मिल सकता है। इसलिए अब आप युवाओं को बहुत ज्यादा इंतजार इसके लिए नहीं करना पड़ेगा। देखिए, यह पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि इस बार सेना भर्ती दौड़ जून माह के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी, इसलिए दौड़ का शेड्यूल भी जल्द ही जारी किया जाएगा। और आप तमाम युवाओं से कहना चाहेंगे कि अब आप अपनी अपनी तैयारियों में जुटे रहें, दौड़ की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। देखिए, जैसे ही दौड़ का जिक्र होता है तो कुछ युवाओं के सवाल भी आते हैं। इन युवाओं का कहना है कि सर, इस बार दौड़ के लिए कितना समय मिलेगा? तो देखिए दोस्तों, आधिकारिक तौर पर तो आपने और हमने यही देखा है कि जो युवा 5 मिनट 30 सेकंड तक दौड़ पूरी करते हैं वो फर्स्ट ग्रुप में आते हैं और जो 5 मिनट 45 सेकंड तक करते हैं दौड़ पूरी वो सेकंड ग्रुप में आते हैं। यानी कह सकते हैं कि 5 मिनट 45 सेकंड तक का समय दौड़ के लिए आधिकारिक तौर पर नोटिफिकेशन में बताया जाता है, लेकिन यह हमने और आप युवाओं ने भी देखा है कि इतना टाइम सिर्फ कागजों में बताया जाता है, हकीकत में इतना समय नहीं दिया जाता है। देखिए, युवाओं का तो यहाँ तक भी कहना है कि दौड़ के लिए सिर्फ 5 मिनट या 5 मिनट 10 या 15 सेकंड तक का ही समय दिया जाता है और इसको लेकर युवाओं ने कई बार शिकायतें भी की हैं। देखिए, असल में होना यह चाहिए कि जब नोटिफिकेशन में 5 मिनट 45 सेकंड का समय दौड़ के लिए बताया जा रहा है तो फिर उतना ही समय इन युवाओं को दिया भी जाना चाहिए, लेकिन इसमें भी समस्या है। और वो क्या समस्या है? वो ये है कि जितने भी युवा जब भर्ती दौड़ में दौड़ पास कर लेते हैं और जब उनसे बात की जाती है तो उनका यही कहना होता है कि दौड़ के लिए पूरा समय दिया जा रहा है। अब देखिए, हमें नहीं पता कि वो युवा ऐसा क्यों बोलते हैं, किसी मजबूरी में वो ऐसा बोलते हैं, कुछ भी हो हमें इस चीज़ के बारे में नहीं पता, लेकिन मैसेज ऐसा ही जाता है कि दौड़ के लिए समय पूरा दिया जा रहा है, जबकि दौड़ में फेल होकर बाहर आने वाले युवा यही कहते दिखते हैं कि दौड़ के लिए पूरा समय नहीं दिया जा रहा है। देखिए, ऐसे तो बिल्कुल प्रूव नहीं किया जा सकता कि दौड़ के लिए समय कम दिया जा रहा है या बराबर दिया जा रहा है, लेकिन एक इसका दूसरा समाधान जरूर है और वो ये है कि अगर सेना भर्ती दौड़ में दौड़ के समय स्टार्टिंग पॉइंट पर ही एक बड़ी सी स्टॉप वॉच लगा दी जाए तो ऐसी समस्या ही खत्म हो जाएगी। फिर न तो युवा यह कह सकेंगे कि समय कम दिया जा रहा है और न ही सेना भर्ती सिस्टम पर ही कोई सवाल खड़ा होगा, क्योंकि सेना भर्ती में तो वैसे भी सभी पॉइंट्स को लेकर पारदर्शिता बरती जाती है, पूरी भर्ती को लेकर पारदर्शिता बरती जाती है, तो फिर दौड़ के समय को लेकर भी ऐसी पहल की जा सकती है, एक बड़ी सी स्टॉप वॉच लगाई जा सकती है। और हम तो आप तमाम युवाओं से भी कहेंगे कि आपको इसके लिए मांग करनी चाहिए, इस संबंध में आप अपने अपने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपनी मांग करें कि उनकी भर्ती में दौड़ के समय एक बड़ी सी स्टॉप वॉच लगाई जाए, जिससे कि अभ्यर्थियों को भी दौड़ते समय यह पता चलता रहे कि अभी उसके पास में 1 चक्कर बचा है, 2 चक्कर बचे हैं और इतना टाइम अभी उसके पास में बचा है, जिससे कि वो उसी के अनुसार वहां भर्ती में और अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, दौड़ में अच्छा दमखम दिखा सके। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना व सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।